दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा बगवा। जल शक्ति विभाग ने सुंदरनगर शहर के उपभोक्ताओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी समस्याओं के निवारण व सुझावों हेतु जल शक्ति विभाग सुंदरनगर ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। अधिशासी अभियंता रजत गर्ग ने बताया कि शहर के लोगों को पानी से जुड़ी समस्याओं व परेशानियों को समय रहते निवारण व उपभोक्ताओं के सुझावों के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें 4,767 उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है। ऐप के माध्यम से पानी की सप्लाई से लेकर अन्य जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के साथ ही इसकी सूचना लाइनमैन व संबंधित अधिकारियों को प्रेषित हो जाएगी, जिसका 24 घंटों के अंदर निवारण किया जाएगा। प्रदान करने के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक ऐप का जो है डिजाइन किया है, और साथ में ऐप के अलावा वेब पोर्टल का भी डिज़ाइन किया है, जिसका मेन मकसद जो है लोगों को तकनीकी के साथ जोड़ना है और लोगों की पेयजल संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हमने जो है ये ऐप और वेब पोर्टल डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके किसी भी क्षेत्र में किसी भी आदमी कोई समस्या पेयजल से संबंधित समस्या होती है, चाहे पेयजल की समस्या है, चाहे रेन डैमेजेस हैं या कोई और अदर तरीके के डैमेजेस हैं, आप उसको जो है इस जो जल शक्ति सुंदर नगर के नाम से एक हमारे पास हमने ऐप बनाई है, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें शहर का कोई भी आदमी या शहर के बाहर का भी आदमी किसी भी स्थान पर बैठ के जो है पेयजल संबंधी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें हमने जो फील्ड स्टाफ, खासकर बेलदार हैं, हमारे वाटर गार्ड्स हैं, फिल्टर्स हैं, उनको भी हमने इस ऐप के थ्रू जोड़ा है। तो हमें डायरेक्ट उनकी जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने उनको जो हमारे फिल्टर्स, बेलदार, वाटर गार्ड्स हैं, उनको भी इस ऐप का जो है हमने एक डेमो दिया हुआ है, और काफ़ी समय से वो इस ऐप को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो हमारे ऐप में जो है कंसर्न जूनियर इंजीनियर, कंसर्न फील्ड स्टाफ को एकदम चली जाती है, और वो कंसर्न फील्ड स्टाफ जो है जहाँ भी पानी की दिक्कत आती है वो जो कंप्लेनेंट हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसका रिडेसर कर सकता है। हाँ, अगर कहीं हमारे पेयजल सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो हम जो है उसको इस वेबसाइट में, वेब पोर्टल में या हमारी जो ऐप है उसमें डाल के जो है पुश नोटिफिकेशन जो है कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है, जिससे कोई अगर हमारे शेड्यूल में चेंज है या किसी कारण जो है डैमेज हुआ है तो वो डैमेज जो वहाँ तक कन्वे हो जाएगा। कोई पानी के संबंधी कंप्लेंट है जो कि हमारे कंसर्न जो है फील्ड के ऑफिशियल द्वारा समयबद्ध तरीके से जो है अटेंड नहीं की जाती है, तो 24 घंटे के बाद वो कंप्लेंट जो है हमारे सहायक अभियंता कंसर्न को चली जाएगी और सहायक अभियंता स्तर को इसको मॉनिटरिंग करेंगे। अगर फिर भी किसी स्तर पे कमी रहती है तो अगले 24 घंटे में ये अधिशासी अभियंता स्तर पे आ जाएगी, फिर अधिशासी अभियंता लेवल के अधिकारी इसका मॉनिटरिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक कंज्यूमर और हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी, जो कि आपस में लोगों को कनेक्ट करेगी और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करके जो है हम इसको समयबद्ध तरीके से इसका निदान कर सकते हैं। सर, ग्राम दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहां पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहां आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व ज़रूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है।